हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैडम बॉवरी ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो आज आपको ये वीडियो दिखाने जा रही हूँ, आपको ये समझाने जा रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसमें से आपको अगर आपके काम का कुछ भी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो मैडम बॉवरी नॉवल है फ्योबर्ट द्वारा लिखी गई, इस नॉवल में फ्रेंड्स हमें ह्यूमन स्टूपिडिटी और रोमांटिक मेलेडी के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये नॉवल एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो अपने ड्रीम्स और रियलिटी का डिफरेंस ना पता होने के कारण सफ़र करता है। इस नॉवल में हमें मिडिल क्लास लोगों की कन्वेंशंस, उनके मिथ्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब उनके काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में, अपनी वीकनेसेस दूसरों को बताना और इस बात का उनके द्वारा फ़ायदा उठाना, हमें ये भी इस नॉवल में बताया गया है कि लोगों को एक ही बात, अगर हम लोगों को, मान लो अगर हम कोई बात बता देते हैं तो वो क्या है, हमारा सिचुएशन के हिसाब से हमारी उस बात का मिसयूज़ करते हैं। लोगों को हमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी से बात ना करें, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ना करें, तो वो जो है एक पर्सन के लिए, जो वो पर्सन सफ़र कर रहा होता है, जिसे वो फीलिंग्स, वो जो वो पर्सन सब कुछ फील करता है, अगर वो किसी को ना बताए ना, तो वो उसके लिए कितना हार्मफुल प्रूव हो सकता है। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से ही ये नॉवल जो है मैडम बॉवरी अभी भी रेलिवेंट है हमारी इस मॉडर्न एज में भी, क्योंकि आजकल ये सब ही हो रहा है। लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते करते 1-to-1 कम्युनिकेशन तो जैसे भूल ही गए हैं, जिसकी वजह से वो अगर अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी के साथ, तो उनकी फीलिंग्स जो है उनकी मन के अंदर ही रह जाती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन होने लग जाता है। उन्हें डिप्रेशन होता है फ्रेंड्स, एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि अपनी मन की फीलिंग्स को अपने तक ही रखना, किसी के साथ अगर हम नहीं बाँटते तो वो उसे डिप्रेशन बोला जाता है। इस नॉवल के जो भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब जैसे ही राइटर ने उनका कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, वो सब ऑर्डिनरी पीपल हैं, जिसकी वजह से क्या है कि रीडर्स जो हैं इन कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखते हैं, जिसके उनको ये बात पता लगती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा वर्स हो सकती है। मैडम बॉवरी के जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो है फीलिंग्स हो, चाहे उनके इंटेलेक्चुअल हो, चाहे उनको कल्चरली नॉलेज हो, वो क्या है, वो सब लिमिटेड है। फ्लॉबर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिडिल क्लास लोगों की डलनेस दिखाई है। फ्लॉबर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो है ये वर्क में जो है लाइफ की असलियत दिखाने की कोशिश की है। एमा बॉवरी जो कि इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हैं, उसने उसकी जो है लव मैरिज होती है चार्ल्स बॉवरी के साथ, बट उसकी ये लव मैरिज ही जो है उसके जो है डाउनफॉल का कारण बनती है, उसका रीज़न बनती है, और वह जो है एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में चली जाती है। मतलब क्या है, वो सिर्फ अपने ड्रीम्स में जीने लग जाती है, जैसे ही उसका मतलब शादी को थोड़ा टाइम हो जाता है और उसका जो है बेबी हो जाता है, वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो है इंडिपेंडेंसी कहीं खो चुकी है, उसकी जो है अपनी लाइफ नहीं रही, जिसकी वजह से वो क्या है अपने बेबी से भी दूर रहने लग जाती है, जिसका नाम वो बर्थ रखते हैं, लड़की होती है वो बेबी गर्ल, और चार्ल्स बॉवरी जो कि उसका हस्बैंड होता है, एक डॉक्टर होता है, उसकी तरफ भी वो ध्यान नहीं देती, उससे भी बहुत जल्दी बोर हो जाती। क्यों? क्योंकि वो उसकी रोमांटिक फैंटसीज़ को पूरा नहीं कर पाता है वो जो है, क्योंकि वो एक सिंपल सा एक ऑर्डिनरी लड़का है और वो उसी तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। वो कोई चीज़ बहुत ही एग्जैजरेट करके नहीं करता, जबकि इसके ऑपोजिट जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है एमा है, इसको सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लाइक जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बहुत ही परफेक्ट चाहिए होती हैं, जो कि बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, पर वो ये समझने में समझने के काबिल नहीं होती कि वो इनकेपेबल होती है सब बातों को समझने के। वो अपने पति के इमोशंस की फिक्र नहीं करती, वो सिर्फ ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फैंटसीज़ को कंप्लीट करे, चाहे वो किसी को खुश कर कर हो, चाहे वो किसी को दुखी कर कर हो, शी डजंट इवन केयर अबाउट एनीथिंग। एमा इरीटेट्स बाय द ड्यूटीज़ ऑफ अ मदर एज अ वाइफ, ठीक है, उसकी यही
डिससेटिस्फैक्शन जो होती है ना, यही उसके वर्स्ट कंडीशन का कारण बनती है। अपनी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से वो घर में जब प्यार नहीं ढूंढ पाती एज एन मदर, एज एन वाइफ, एज एन डॉटर इन लॉ, वो क्या करती है, वो बाहर जाती है टू मेक लव। शी वॉन्ट्स टू मेक लव इन अनदर पर्सन। पहले वो लियोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जो कि एक मिडल एज लड़का होता है, उससे वो शादी करना चाहती है। दे मेक लव फॉर मैनी अ टाइम। फिर क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या है, लियोन जो है इसको छोड़कर चला जाता है। बट उसकी जो है एम्मा की डिससेटिस्फैक्शन यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, वो फिर किसी लड़के को, मतलब वो ये चाहती है कि ऑपोजिट जेंडर, शी वॉन्ट्स टू मेक लव विद द another person except her husband Charles Bowery. So she find a boy named Rodolphe. वो उससे मतलब लियोन से ज़्यादा रिडोल्फी से प्यार करने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट बन जाती है, बहुत पैसा खर्च करती है। क्योंकि एक तो देखो, वो जो है मिडिल क्लास होती है एम्मा, बट उसकी जो फैंटसीज़ हैं वो हर न्यू फैशन की चीज़ें लेना चाहती है, सब कुछ उसको द बेस्ट चाहिए। उसके लिए वो जो है एक्सपेंसेस जो है, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो अपने हस्बैंड से उसकी परमिशन के बिना लेती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बेच देती है, लोगों से पैसे मांगती है, जिसकी वजह से क्या है वो डेप्थ में बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, जब रोडोल्फी भी मतलब जब उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसने आसपास के लोगों हर लोग से पैसे ले लिए होते हैं, जब उसे दोबारा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे सब मना कर देता है। रोडोल्फी भी इवन उसे मना कर देता है, तो वो ये सोचती है कि अभी उसके पास कोई भी नहीं है जो कि उसकी मदद कर सके। वो जो जब डेप्थ में चली जाती है, वो किसी की फिक्र नहीं करती है, ना ही अपने पति की रेपुटेशन की, ना अपनी बेटी बर्थ की, ना ही अपने पति के प्यार के बारे में, मतलब कुछ नहीं सोचती कि अगर मैं तो उससे प्यार नहीं करती बट वो तो मुझसे करता है ना, क्योंकि उनकी लव मैरिज हुई थी। बट वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो जस्ट उसे ये लगता है कि उसको खुशी तभी मिल सकती है अगर वो पैसा खर्चे। अगर वो पैसा खर्चेगी तो पीपल कैन बी हर फ्रेंड। ठीक है, वो एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहती है जहाँ पर सिर्फ उसको खुशी ही मिले, और शी नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। पर उसे नहीं पता होता कि यही उसकी सबसे ज़्यादा गलत फहमी है, और इसी के चक्कर में क्या है वो इसके इस दलदल के, इस पैसे खर्चने के दलदल में और लोगों से पैसा लेते लेते वो क्या है एक ऐसे ही दलदल में, एक ऐसे पिट में घुसते ही चली जाती है। पैसों के लिए वो लोगों से मांगती है, पैसे भीख मांगती है उनसे, पर क्या है सब लोग मना कर देते हैं, बिकॉज दे आर नाउ नोन ऑफ हर दैट शी इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड नोबडी इज़ बिलीविंग ऑन हर फॉल्स अजम्पशंस। दे थॉट ऑफ हर एज एन जैसे कि हम बोल लेते हैं कि वो एक जो है एक ऐसी ही हम कह नहीं देते ये तो ऐसे ही पैसे उड़ाता रहता है, वैसे ही उसको ट्रीट करते हैं एम्मा को। चार्ल्स को जब ये सब बातों का पता लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो दो तीन लोगों से उसका अफेयर चल रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल, उसने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, सारे पैसे बेच दिए उसने, सारे पैसे खर्च कर दिए, प्रॉपर्टीज़ बेच दी, तो वो चार्ल्स क्या है वो जो है टूट जाता है, एंड ही एंडेड अप हिज लाइफ, और अपनी लाइफ को वो ख़त्म कर लेता। ये सब बातें उसको पता लगती हैं जब एम्मा जो है, क्योंकि एम्मा जो है बहुत ही ज़्यादा रिप्रेस हो चुकी थी अपनी फीलिंग्स के साथ, किसी के साथ नहीं थी वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रही, और ना ही उसको भी पैसे मिल रहे थे टू मेक हर सेल्फ हैप्पी। सो शी थॉट ऑफ डाइंग और कमिटिंग अ सुसाइड। तो वो क्या करती है, उसका मतलब उनके यहाँ पर एक सर्वेंट होता है केमिस्ट शॉप में, वो काम करता है जस्टिन, उसके पास जाती है और उससे जो है एक ड्रग लेती है जिससे कि शी एंडेड अप हर लाइफ, उसे खा लेती है और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती। शी डिडंट इवन थिंक ऑफ हर फैमिली, हर हस्बैंड, हर इवन हर डॉटर, किसी के बारे में भी वो नहीं सोचती। जस्ट दैट कि उसकी जो फैसिनेटिंग थी, उसकी ये जो इमेजिनरी थी, ये जो इमेजिनेशन थी उसकी, ये जो है उसी की लाइफ तबाह कर देती है। बिकॉज उसके हस्बैंड ने भी उसकी जो है वो उसके मरने का दुख नहीं सहन कर पाया, वो भी मर जाता है।
तो एंड में क्या होता है, उसकी जो लड़की है इनकी बर्थ, वो क्या एक ऑर्फन बन के रह जाती, एक अनाथ बन के रह जाती। क्यों? क्योंकि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं, तो कोई उसको संभालने वाला नहीं है। जो उनकी जो चार्ल्स बॉवरी की मदर है, दैट मीन्स हर ग्रैंड मदर बर्थ की, वो जो है उसे संभालती है। पर क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी हैं, तो थोड़ा टाइम ही वो उनके पास रहती है, तो फिर जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो बर्थ जो है एक अपने अंकल के पास चली जाती है, और वहाँ पर एक फैक्ट्री में जो है काम करने लग जाती है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि कैसे एक फैंटसी, या अगर सपोज़ अगर कोई पर्सन जो है अपने अपनी ही खुद की दुनिया में रहे, तो ये सिर्फ उसी के लिए ख़तरनाक नहीं हो सकता है, इवन दैट विल बी डेंजरस टू हर फैमिली और हर हिज और हर बिलोंगिंग्स जो उसके साथ आसपास रहते हैं, उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, और वो जो है इवन वर्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड्स को जाकर नहीं मिलते, उनसे बातें नहीं करते, दे इवन फील कम्फर्टेबल ऑन देयर फोन ऑन देयर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। इतने ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं इन सब चीज़ों के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स की नहीं परवाह होती, दे जस्ट से थिंग्स ऑन देयर ओन टोन एंड नेवर जस्ट केयर्ड अबाउट द पर्सन और द ऑफ द अदर साइड दैट व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट देम। वो जस्ट अपनी बातें कह देते हैं, जिससे कि वो क्या अपने ही कम्फर्ट जोन में रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर एम्मा ने किया, वो भी अपने जोन में, उसे जैसे अच्छा लगा उसने वैसे किया। ना अपनी फैमिली की फ़िक्र थी उसे, ना अपनी बेटी की, ना अपने फैमिली की रेपुटेशन की, ना अपने हस्बैंड के प्यार की, किसी की फ़िक्र नहीं थी उसे। सिमिलरली आजकल भी लोग ऐसे ही हो गए हैं, दे जस्ट गो सोशली, मीन्स ऑन द सोशल साइड्स, नॉट इवन इन द रेगुलर पार्टीज, दे जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड देयर मनी, दे जस्ट स्पेंड लैविशली, बिकॉज दे आर नॉट खुद नहीं कमा रहे हैं वो पैसे, इट्स देयर फादर्स मनी, उनके फादर की होता है वो पैसा, जिससे कि वो क्या करते हैं बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं। वैसे ही एम्मा ने किया, क्योंकि खुद तो कमा नहीं थी रही, तो उसे पता भी नहीं थी उसकी वैल्यू, कि पैसे आते कहाँ से हैं, उसे रखने कैसे चाहिए, उसे यूज़ कैसे करना चाहिए। सो इसीलिए इस नॉवल को जो है मॉडर्न एज में भी रेलिवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही सब हो रहा है। अगर अ पर्सन इज़ नॉट फाइंडिंग लव और फाइंडिंग जॉब और गेट इरिटेटिंग इन द रियल लाइफ, वो क्या करता है, ही और शी इज़ गेट इन टू द पाथ ऑफ ड्रग्स, ही और शी इज़ टेकिंग ड्रग्स, और ये ड्रग्स जो क्या है उसकी खुद की लाइफ को क्या है ख़त्म कर देते हैं। सिमिलरली जैसे एम्मा ने जो है सब कुछ, उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया, सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी, तो उसके पास आखिर में क्या बचा? शी वॉन्ट्स टू एंड अप हर लाइफ। क्यों? क्योंकि अब वो किसी को फेस नहीं कर पा रही रियल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि अब उसे पता चल रहा है दैट शी इज़ मिस्टेकन, उसने गलती की है। सो अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू कमिट सुसाइड, और वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेती है, बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू फेस द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया को वो नहीं देखना चाहती। जिससे क्या है, उसने जो ना कि इवन खुद की लाइफ तबाह की, इवन हर फैमिली, उसके हस्बैंड ने भी वो भी मर गया, उसी डॉटर जो है कहाँ वो लैविशली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी, बट देन शी स्पेंड इन टू अ लाइफ ऑफ अ वर्कमैन। और फ्रेंड्स, इस नॉवल की जो मेन थीम्स हैं वो है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन आपको पता ही है, किसकी डिससेटिस्फैक्शन है? एम्मा की, इस नॉवल की मेल फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, जिसने जो है अपनी लाइफ को जो है एक डिससेटिस्फैक्शन की वजह से पूरी रुइन करके रख दी, पूरी तबाह करके रख दिया। कन्फाइनमेंट इस नॉवल में है, जो अपनी फैंटसीज़ की कन्फाइनमेंट है। कन्फाइनमेंट होता है फ्रेंड्स जो चीज़ आपको लिमिट करके रख दे, मतलब उसी के बीच में फंसा कर रख दे। तो इस नॉवल की कन्फाइनमेंट क्या थी? इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट जो है एम्मा की फैंटसीज उसकी कन्फाइनमेंट थी, जिसने उनको उसको जो है अपने रियल वर्ल्ड में भी खुश नहीं रहने दिया, और एंडेड अप एज अ डिस्ट्रॉय।
फुलिशनेस, एमा ने जो फुलिशनेस की अपने ड्रीम्स के पीछे लगकर उसने जो है अपनी एक हस्ती खेलती जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी, दैट इज़ हर फुलिशनेस। लव जो है, लव एक बहुत ही, हम इस नॉवल में हम लव का एज एन पॉजिटिव सिंबल कम रेकग्नाइज कर सकते हैं और एज अ नेगेटिव सिंबल ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लव जो था उसका, वो थी उसकी मैरिज विद चार्ल्स बॉवरी, दैट एंडेड अप एज एन डिस्ट्रक्शन और द फेलियर। बट उसका जो लव नेगेटिव वाला था, दैट इज़ विद लियोन एंड रिडोल्फी। इन दोनों के साथ एमा का प्यार, हम ये नहीं बोल सकते कि दैट इट इज़ ट्रू लव और नॉट। क्यों? क्योंकि अगर उसका ट्रू लव होता तो वो शिफ्ट नहीं होता। अगर जैसे लियोन उसको छोड़कर गया, तो शी डिडंट चूज़ फॉर रिडोल्फी, वो लियोन का वेट करती, चाहे वो नहीं आता, बट शी विल वेट, पर वो ऐसा नहीं करती। और जैसे रिडोल्फी चला गया, देन शी जस्ट वेंट इनटू एन अदर मेंटल ट्रॉमा। सो ये लव जो है उसका ट्रू नहीं है। देन द अनदर थीम इज़ वेल्थ। वेल्थ के लिए ही उसने ये सब कुछ किया। शी स्पेंट ऑल द मनी विच चार्ल्स हैड एंड हर हिज प्रॉपर्टी, सब कुछ उसने बेच दिया जो वो ले सकती थी मनी लेंडर से, उसने वो भी पैसे भी लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। जब उसको पता चला कि नाउ शी हैज़ लेफ्ट विद नथिंग, सो शी थॉट ऑफ क्वाइट क्विट हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोच लिया। रिप्रेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल इज़ रिप्रेशन। फ्रेंड्स, रिप्रेशन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टर्म इवन इन नाउ आर एज। रिप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? रिप्रेशन इज़ समथिंग व्हेन वन पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज और हर फीलिंग्स टू समवन। जब हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो दैट लीड्स टू रिप्रेशन, जो कि हमारी जो है फीलिंग्स जो है एक बंद बॉक्स में पढ़ कर रह जाती हैं, विच इज़ आर ब्रेन, जो है जो सम अप होकर, मिक्स होकर थोड़े टाइम में जो है, जब वो एक बहुत सारा बंडल बन जाता है उन इमोशंस का, सो दैट लीड्स टू बर्स्ट्स इवन इन आर ब्रेन और इवन इन आर इन थ्रू ऑफ आर एंगर। किसी भी वे में वो जो है बर्स्ट हो जाता है, और इवन इन एमाज केस इट लीड्स टू एंड हर लाइफ बाय टेकिंग ड्रग्स। ये जो है रिप्रेशन फ्रेंड्स, बहुत ही एक बुरी बीमारी है। सो हमें जो है अपनी फीलिंग्स, इवन इन रियलिटी वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद समवन, वेदर टू आवर फ्रेंड, टू आवर फैमिली वंस। हमें पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में वी कांट शेयर सम फीलिंग्स विद आवर फैमिली, बट वी कैन शेयर दोज थिंग्स विद आवर फ्रेंड। सो फाइंड सच फ्रेंड, शेयर द थिंग्स विद दोज, सो दैट योर लाइफ विल बिकम ईजियर and that leads to your becoming happy। so friends, hope आपको सब समझ में आ गया होगा मेरी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इस नॉवल का मैंने जो है आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी कर दी, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी, थीम्स भी मैंने आपको समझा दी हैं, आपको रियल लाइफ से नरेट करके बताया है कि इस नॉवल में क्या रियलिज्म है, क्या रियल लाइफ में आप जो है इम्प्लाई कर सकते हैं और क्या रियलिस्टिक फैक्टर है इस नॉवल में। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और उसमें से आपको कुछ समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई और टॉपिक पर मेरी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएँ। सो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।